नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद में 31 दिसंबर 2023 का दिन बड़ा ही शानदार जाने वाला है, क्योंकि सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुँचेंगे। राजा नाहर सिंह मेमोरियल सोसाइटी द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व सीएम हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह जैसे पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे हवन के साथ होगी और कार्यक्रम करीब 1 बजे तक चलेगा। इस बीच तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में फरीदाबाद के आम जन भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले ही प्रशासन और पुलिस से सहयोग लेने के लिए अपील की गई है, ताकि व्यवस्था में कोई भी परेशानी न हो और न ही कोई अप्रिय घटना घटे। जी, आज की प्रेस वार्ता जो 31 दिसंबर को अमर शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति का अनावरण है, उसके संदर्भ में हमने की है। ये हमारी जो समिति है, समुंदर भाकर जी, हमारे कुंवर नरवीर सिंह जी, मुकेश रावत जी, रविंद्र चौहान जी, ये सारे समिति के हमारे पदाधिकारी सब ने मिल के निर्णय लिया और उसके अनावरण के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यूपी से मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, कृष्णेंद्र कौर दीपा जी भरतपुर से, और पिसाया से महेंद्र प्रताप जी, नरेश टिकैत जी, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी, मूलचंद शर्मा जी, उदय भान जी कांग्रेस अध्यक्ष, और सारे पक्ष विपक्ष के जो फरीदाबाद के जितने भी लोकसभा के MLA हैं, सबको इसमें निमंत्रण दिया है, सभी की सहमति है। और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। उसके अनावरण के लिए समय सुबह 9 बजे हवन से शुरुआत होगी और करीब 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। मान काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो इस तरीके से बुलाई हैं, आप लोगों बड़ा कार्यक्रम करने का। नहीं, जिसके लिए आ रहे वो कौन सा छोटा है, उनका कद तो और भी सबसे ऊंचा है। अगर अंतिम शासक अगर हमारे उसके रहे हैं तो उनका तो कद इन सबसे, हम सबसे ऊंचा है। तो मैं नहीं कहता कि भाई अच्छी बात है कि आना चाहिए, हमने सभी को बुलाया, इसमें ये नहीं कि भाई एक विशेष वर्ग या विशेष जाति की बात है, सबको एक सर्वधर्म सम्मेलन। और उसमें एक जो हमारे अंतिम शासक रहे उनकी मूर्ति का अनावरण पहली बार कोई करने आ रहा है तो भव्य ही होना चाहिए। ये जनता की भी डिमांड है, हमारी नहीं, हमारी समिति की विचार है और जनता की भावना है। जनता की भावना को देखते हुए सारा कार्यक्रम किया गया। कितने आदमियों को पहुँचने की उम्मीद है साहब? और देखिए, हमने कोई काउंटिंग नहीं की, परंतु इतना विश्वास है हमें कि जितनी भावना लोगों की है, जितना उत्साह है, कार्यक्रम बहुत अच्छा और बढ़िया तरीके से। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके बीच में लाते रहें। आप सभी इस वीडियो पर बने रहे, आप सभी का धन्यवाद।